Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम क्लासिक गोट फार्म, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्म्स इन भिवंडी। दोस्तों हम आ चुके हैं क्लासिक गोट फार्म पे और पूरा सीरीज आप लोग इन्जॉय करने वाले हो, क्योंकि क्लासिक गोट फार्म पे आपको सीज़न के स्टार्ट में ही कुछ ऐसे बकरे दिखाने वाले हैं कि आपको देख कर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए नदीम भाई से एक इंट्रोडक्शन करते हैं और ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। Assalamualaikum नदीम भाई। नदीम भाई, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सम ऑफ द बिगेस्ट गोट्स इन इंडिया, वो भी सीज़न के स्टार्ट में। नदीम भाई, सो नदीम भाई, जो लास्ट सीज़न गया, ये इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें एंड आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है हमारे फार्म पे, इसके बारे में बताएं। लास्ट सीज़न तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है करम से, यानी टोटल 1200 बकरे नई नई कर करके बढ़ते 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 हो गए थे, अल्लाह का शुक्र। और जैसे कि ये शेड वेड भी हम लोग यहाँ पे सब बनाए थे पूरा जी, निकाल दिए बारिश के हिसाब से सब बनाए थे जी, तो कैपेसिटी भी सब डबल हो गई थी जी। तो अल्लाह के करम से बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सब बिक गए आसिम भाई जी, और बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत बहुत जजाकल्लाह आपको, आपने इतनी मेहनत से कम से कम मैं समझता हूँ 6 से 7 बार आप आए और वीडियो बनाए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, नए नए कस्टमर्स बहुत बने, नए नए लोग बहुत आए और बहुत अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रिस्पांस। और मैं बोलना चाहूँगा कि बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल काउंटर है नदीम भाई, काफ़ी लोग आपके रिपीट कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हम भी जैसे लोकली भी लोगों से जब बात करते हैं ना, अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि हमने बकरा क्लासिक गोट फार्म से लिया, दे आर प्राउड ना, वो बोलने में उनको प्राउड फील होता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के नदीम भाई। ये तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए, मैं जब फर्स्ट ईयर 2015 में चालू किया था ना, तब उस वक्त मेरे पास सिर्फ बेचने के लिए 300 बकरे भी नहीं थे जी, और मेरे पास पलाई के 20-22 बकरे थे, वो भी मेरे खास खास दोस्तों के थे, उसमें 2-3 जन के बकरे थे जी। तो 2015 से ग्रोथ होते होते अल्लाह के करम से आज अपने पास 200 बकरे है लोगों के पालने के सीजन के स्टार्ट में। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ना ये जर्नी। और बकरे भी कैसा है, 200-250-300 बकरे से शुरुआत हुई थी जर्नी बेचने वाले बकरों की जी, तो वो भी अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के ऊपर हम लोग पहुँच गए। सही। तो इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, जैसे कि इंशाल्लाह इरादा किया हूँ और लोगों का साथ भी मिला, आपका साथ मिला, और अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह तो इस साल पिछले साल से ज़्यादा बकरे रखेंगे और पिछले साल से अच्छी क्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे और पिछले साल से अच्छे रेट में भी देने की कोशिश करेंगे। यानी मेरा काम ही वही है कि अच्छे से अच्छा माल कम से कम पैसे में लोगों तक पहुंचा देना, ताकि हर आदमी की कुर्बानी हो सके। और क्वालिटी के हिसाब से पैसा डिफर होता है। देखो, मार्केट के अंदर जब बकरीद के अंदर बाज़ार जब लगती है बम्बई के एतराफ़ में जी, तो 400 रुपये में भी बकरा मिलता है। फार्म्स पर आप आओगे तो 500 रुपये के आसपास की एवरेज में भी बकरा आपको मिल जाता है जी। थोड़े गुलाबी बकरे, पतीरे, ऐसे बड़े बकरे जैसे हम लेने जाएंगे तो उसकी कीमत अलग होती है। सही कहा। तो हर आदमी की पसंद होती है, हर आदमी का बजट होता है जी। अब कोशिश करेंगे कि भाई जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें जी। और नदीम भाई, जो अभी ये बकरे अभी आप लाए हैं या इसके अलावा भी काफ़ी बकरे रहते हैं आपके यहाँ, पलाई पे भी रखेंगे आप बकरे, राइट, अंडुल खस्सी दोनों जी। सो इसका क्या प्रोसीजर होगा और इस साल का क्या रेट होगा पलाई का? या अंडू बकरे तो आसिम भाई मेरे पास ऑलमोस्ट जगह फुल हो गई है, यानी 2-4 बकरों की जगह खाली होगी और जी 3500 रुपये से ही पलाई पे ले रहा हूँ जी। और फीड उनका मैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मैं अलग फीड दे रहा हूँ और पत्ते वगैरह भी अरेंज करके उनको दे रहा हूँ जी। तो अंडू की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, 3500 रुपये, इसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह, डीवर्मिंग वगैरह और बाल का काटना, खुर का काटना, यानी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जी। हाँ, मैं लाइफ स्टॉक के काम में मॉर्टेलिटी की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि भाई आज जिंदा है तो भी आपका है, यानी अगर कल कुछ हो गया अल्लाह ना करे तो भी आपका ही है, उसके अंदर कोई रिफंड नहीं, कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है जी। और दूसरे, उसके अलावा खस्सी बकरे जो है मेरे पास, वो आसिम भाई 2500 रुपये वाले भी खस्सी है और 3000 वाले भी है, जैसे बड़े खस्सी है तो वो 3000 रुपये, क्योंकि उनकी डाइट हम लोग 2500 में नहीं पूरी कर सकेंगे। नहीं, हकीकत है। तो जो 2500 वाले खस्सी है उसका एवरेज जैसे 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो के बकरे आदमी देता है, तो वो साल भर के अंदर 35 किलो, 40 किलो, कोई बकरा 45 किलो, कोई बकरा 50 किलो भी बढ़ जाता है जी। ऑन एन एवरेज 30-35 किलो से 50-55 किलो तक की एवरेज आ जाती है, सोजत हो या गोजरी हो या अजमेरे हो, बकरे की क्वालिटी, बकरे के फ्रेम के ऊपर डिपेंड है जी। तो वो 2500 रुपये है चार्ज उसका, उसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह सारे चार्जेस इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा पैसा उसमें डिमांड नहीं किया जाता है। और बड़े बकरे जो खस्सी है उसके 3000 रुपये। सही। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिया एंड आई थिंक यहाँ बकरा रखने में लोगों का बहुत फ़ायदा भी है, बिकॉज जिस तरीके से साल दर साल आपने बकरे यहाँ पर तैयार भी हुए हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखे थे, एक से एक बकरे तैयार हुए माशाल्लाह आपके यहाँ।
सो नदीम भाई विल कम टू द मेन टॉपिक। मैं माफी चाहता हूं, बात काट लूं आज थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी था, जो बकरे पलाई पे मेरे पास लास्ट ईयर थे ना जी, लोग अल्लाह के करम से खुश हुए, रिजल्ट अच्छा मिला। ये नहीं कह सकता हूं कि 100% रिजल्ट मिला, मैं ये समझता हूं कि 100% रिजल्ट कोई फार्म पे नहीं मिलता है जी, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, उसके अंदर अभी रोजाना, अभी मेरे पास भी करीबन 225 बकरे हैं, तो 225 बकरे रोजाना फिट नहीं रहते, कोई दो चार को बुखार आता है, तो उसके अंदर बकरे के अंदर जैसा 80% भी रिजल्ट अच्छा मिला ना जैसे हमारे पास, तो वो कंसिडर अच्छा किया जाता है जी। और अल्लाह के करम से उससे अच्छा ही रिजल्ट मिला, उससे ऊपर ही रिजल्ट मिला है। हाँ, कुछ लोगों के मैं जानता हूँ कि कुछ 2-5-10 बकरे ऐसे भी थे जो साल भर में वेट नहीं लिए, वजन गिराए भी, कुछ बीमार भी हुए, कुछ मरे भी, ये तो फैक्ट है, सच्चाई है, कड़वा सच है फार्म का जी। तो ये हुआ भी है, तो 100% रिजल्ट नहीं था, लेकिन रिजल्ट अच्छा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट था। तभी मेरे पास स्टार्ट ऑफ द सीजन में बकरे रिटर्न भी आ गए हैं लोगों के, कुछ बकरे मेरे पास से ही खरीदे हुए, कुछ बकरे बाहर से भी आए जी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, अभी जो बड़े बड़े बकरे हैं सीज़न के स्टार्ट में आ चुके हैं, मतलब बहुत ही कम जगह पे मैं देखूंगा कि एक्सक्लूसिव बकरे हैं जी। हर बकरा ऐसा नहीं है कि पूरा लॉट खरीद के यहाँ आ गया है, हर बकरा कुछ अलग है जी। अलग नस्ल बोल लो, अलग उसके पैर पुर्जे बोल लो, बहुत अलग अलग है जी। तो एक एक करके हम लोगों को दिखाएंगे, और सारे बकरे देने हैं ना नदीम भाई जी, बिल्कुल देना है। और ये बकरे लोग चाहें तो लेके जाएं, खुद पालें, कहीं भी पलवाएं, अगर उन्हें क्लासिक गोट फार्म पे पलवाना है तो भी मोस्ट वेलकम जी। जी जी, कोई मसला नहीं है, मैं चाहूँगा एक्चुअली ये बकरे सब जो है ना वो भराई के काबिल है या लायक है, आप जो बोलो जी। ये बकरों का फ्रेम, साइज, हाइट, लेंथ माशाल्लाह है, और ये बकरे जिन्होंने पहले भी खरीदे थे वो भी सब माशाल्लाह सिलेक्ट करके अच्छे से उसको देख दाख के खरीदे हैं। अब ये बकरे माशाल्लाह इस कदर तैयार है कि 120-125-30 किलो के ऊपर आज ही है करंटली जी। तो अगर कोई उसको नॉर्मल फीड पे भी पालेगा तो भी इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीदें ग्रोथ मिलेंगी, और अगर भराई पे डालेंगे तो ग्रोथ और बढ़ जाएंगी उनकी। और इसमें से कुछ 5-6 बकरे जो ऑलरेडी बिक गए हैं वो आई थिंक भराई वालों ने बहुत बकरे खरीदे, भराई वालों ने लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, बिल्कुल इनमें फ्रेम है, इनमें जो कुछ चाहिए एक बेस्ट भराई के बकरे के लिए वो चीज़ें हैं इनमें, है ना नदीम भाई। तो एक एक करके दिखा देते हैं लोगों को जी। और लोग मोस्ट वेलकम है आने वाले वीकेंड में जी। नदीम भाई खुद इंशाल्लाह मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक एक बकरा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये बकरा एक मैं आपको बता देता हूँ जी, अजमेरा, ये बकरे का अजमेरा का, इसका लेंथ, इसका फ्रेम, इसका चमड़ा, ये देखो अभी से साइड्स वगैरह सब, ये बगली वगैरह छोड़ दिया, यानी पूरा साल पालने पे भी माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा देगा, पूंछ वगैरह सब बन गई अभी से। अच्छा, हाइट वगैरह भी माशाल्लाह बकरों की आप देखो, कलर, खूबसूरती, हाइट, दांत तो मेरे ख्याल से आसिम भाई सबके पूरे ही हो गए, सबके पूरे ही ना, इतने बड़े बकरे हैं ये, दांत तो मैं समझता हूँ सबके 8 दांत हो चुके हुए जी। और बड़े बकरों में दांत मैटर नहीं करते, जो बड़े बकरों के शौकीन है जी, तो वो दांत मैटर भी नहीं करते, उनको खाली साइज चाहिए और वजन चाहिए। ये पीला कलर है जो बहुत माना जाता है जी जी, ये भराई वालों में ना काफी फेमस है बकरा जी, पीला कलर, गोल्डन कलर बोलते हैं अजमेरा सिरोही में। तो ये दूसरा बकरा देखा हमने, ये जोड़ी एक साथ दिखाना चाहूँगा मैं, माशाल्लाह इनक्रेडिबल जोड़ी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आसिम भाई इसकी, ये यहाँ तक आ रही है मेरे जी, यानी मेरे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे यहाँ तक आ रही है, तो अंदाजा मैं समझता हूँ ये 42-43 के ऊपर सिरोही की हाइट होगी इसकी, ये हाइट देखो माशाल्लाह अनबिलीवेबल, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है। ये देखो ये बच्चा नदीम भाई की खुद की हाइट 6 फुट के ऊपर आई थिंक, हाँ मेरी हाइट 6 फुट के आसपास है, ये बकरा मेरे माशाल्लाह इसकी गर्दन, इसका फेस जो है वो मेरे मुंह तक आता है, मैं या ये भाई खड़े होंगे तो हम लोग तो छोटे दिखेंगे। वाह, साइड्स वगैरह नायाब जोड़ी देखी हमने, ये बच्चे का पैर देखो आसिफ भाई, बच्चे का फ्रेम देखो, ये पाड़े में गिनती लेगा भाई है, बहुत यार माशाल्लाह पैर, हाँ मतलब इसका फोकस है पैर देखो माशाल्लाह, सीधे खड़े पैर का बच्चा है ये, वाह सोजत के अंदर बहुत जगह है आसिम भाई इसमें भरने के लिए, देखो जगह देखो, अरे बाप रे जगह देखो, चमड़ा देखो कितना लूज है इसका, पूरी चीजें बनी हुई है माशाल्लाह। ये बकरे मैं समझता हूँ और अगर साल भर पलेंगे ना तो जो भी लेगा नाम हो जाएगा उसका, और चेहरा पंज देखो कितना है, बहुत जबरदस्त, यानी वाह खड़ी गर्दन का, और देखो कोई चलने में प्रॉब्लम है क्या, देख लो आप लोग एक एक चीज देखी जाती है ना, तो देख लो वाह, पीला देखा हमने, व्हाइट वाला सोजत देखा, अजमेरा जोड़ी देखी, ये देखे तोता, वाह इसका देखिए सीना वीना माशाल्लाह, पूरे दिल्ली और यूपी में काफी डिमांड होता है इनका, साइड्स देखो वाह,
ये सब 100 किलो ऊपर बकरे हैं। ये बकरा था आसिम भाई, सोजत सोजत में अलग कलर में सिंह हथियार, वाह बहुत अच्छा बकरा है। ये बकरा भी देखा आसिम भाई सोजत में, ये सोजत में देखें एक और अबलक चेहरा पांच चेहरे को। ये देखो आप हैदराबादी क्रॉस है ना, हाइट देखो इसका, हाइट फ्रेम लेंथ कान शक्ल पैर यानी कंप्लीट पैकेज है बकरे वाले। अगर जो शौकीन है ना बड़े बकरों के उनको कंप्लीट पैकेज है। और ऐसा भी नहीं आसिम भाई, बकरे माशाल्लाह सब फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, खाली बारिश के मौसम से थोड़े दब रहे। देखो हाँ। वो तो नॉर्मली छोटा बच्चा भी हो, हाँ जमीन गीली है, एटमॉस्फेयर देख सकते हैं बारिश हुई है बहुत, तो दब रहे खाली। बाकी तो बकरे माशाल्लाह जैसे धूप निकलेंगे ना तो एकदम और फ्रेश दिखेंगे जी। कोई और बकरा है जो हम नहीं दिखाए? ये वाला अजमेरा पीछे वाला सिरोही, हाँ ये इसकी हाइट देखा क्रॉस में, हाँ यस इसकी हाइट देखो, ये हाइट सबसे ज्यादा है आसिम भाई, सब सिरोही में सबसे ज्यादा। नदीम भाई खास करके ऐसे बकरे हम देखते हैं बकरा ईद के सीजन के पहले पहले। पंजाबी देखो हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी आसिम भाई आपके अंदर से? 46 तो होगी ऐसा लगता है, ये हम लोगों ने टेप से मापे 47 प्लस है। ओहो जिनको हाइट का शौक है ना, जो हाइट का डिमांड करते हैं ये उनकी पसंद का बकरा है। खाली देखो अब ये बकरे को कोई लेके अगर भराई करे आसिम भाई तो ये तैयार होएगा ना? क्यों नहीं, मतलब जरूर होगा। देखो हाथ पांव का माशाल्लाह देखो ना कितना सॉलिड, इसको तो तैयार किया, इसकी हाइट पे ही पूरा खेल हो जाएगा। जगह देखो चमड़ा में, चमड़े में जगह देखो, अरे बाप रे। तो आई थिंक सब बकरे दिखाए हमने राइट जी, माशाल्लाह। सो माशाल्लाह दोस्तों वी हैव विटनेस सम ऑफ द बिगेस्ट गोट्स, काफी मजा आ गया आपको ऐसे फ्रेम के बकरे दिखा के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत उम्दा। नदीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी ये बकरे देख के। सो जिसको भी चाहिए होगा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा जी जी जी। एक्चुअली ये बकरों का प्राइस कैसा है कि वीडियो पे बताना थोड़ा मुश्किल नहीं रहेगा, अलग अलग बकरे अलग अलग कीमत है, अलग अलग डिटेल्स है जी। तो जो जिन भाइयों को पसंद आ जाए ना तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो या कॉल कर दो, इसका प्राइस हम लोग बता देंगे। सही है। और इसके अलावा ये तो कुछ बकरे देखे हमने है ना, अभी इसके अलावा अंडू बकरे मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ बहुत पूरा कलेक्शन है और ऐसा कलेक्शन के मतलब मजा ही आने वाला है बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये बड़े बकरे, इसके अलावा और भी कुछ बकरे हैं जी है ना, एक से एक आपको बकरी दिखाने वाले हैं। तो पूरा एक सीरीज ये महीने रन होने वाला है और आई थिंक क्लासिक गोट फार्म पैसे बकरे देख के लोगों को काफी मजा आएगा। अच्छा इसके अलावा अपने पास और भी रेंज है आसिम भाई? हाँ यानी ये बड़े बकरों के अलावा अपने पास 50 55 60 किलो की भी रेंज है। हाँ और कुछ बकरे इंशाल्लाह और आएंगे भी 15-20 दिन के अंदर जी। हाँ तो जिन भाइयों को चाहिए ना तो वो मैं तो बोलता हूँ पर्सनली विजिट करो। अभी तो कैसा है कि उस वक्त बकरीद के टाइम पे कैसा था कि हर एक का फोन में आंसर नहीं कर सकता था, जवाब नहीं सकता था क्योंकि बहुत काम था यहाँ पर हकीकत। अब क्या है ना मैं भी फ्री हूँ, संडे के दिन मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, वीकेंड्स को आप आ सकते हो यहाँ पर, टाइम गुजार सकते हो, बकरे देख सकते हो, पसंद कर सकते हो, बातचीत कर सकते हैं, कोई पसंद है तो हम लोग डील कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सामने आ जाए, बहुत वैरायटीज मिलेंगी इंशाल्लाह बकरे के अंदर और आदमी को पसंद आएगा इंशाल्लाह। सामने देखने के बाद जो सौदा होता है ना वो अच्छा भी होता है। सही कहा आपने नदीम भाई। तो नदीम भाई मैं आपका नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड आपका एड्रेस तो काफ़ी सिंपल है ठीक है, भिवंडी में पड़गा टोल जैसे क्रॉस होता है फर्स्ट लेफ्ट में आप आएंगे अंदर, यहाँ पर ही है क्लासिक गोट फार्म। जैसे आप मुंबई से निकलते हैं आपको सिर्फ डाल देना है लोकेशन में क्लासिक गोट फार्म है ना, मुंबई प्रॉपर से एक 1.5 घंटा लगता है यहाँ पर आने एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक समटाइम्स। ठीक है नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।